विधायक दादाराव केचे ने ग्रामीण अस्पताल कारंजा को 3 ऑक्सीजन प्रदान किए हैं। इस समय ग्रामीण अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रभाकर वंचारी, डॉक्टर राउत, परिचारिका भिलकर और गणवीर के सामने सौंप दिए। तालुका में कोरोना के मरीजों की बड़ी संख्या के कारण अस्पताल में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है। नतीजतन रोगी की स्थिति खराब हो जाती है और कई रोगी देर से चिकित्सा सहायता और ऑक्सीजन से पीड़ित होते हैं। जैसे ही विधायक दादाराव केची को इस बारे में पता चला, तालुका के लिए ऑक्सीजन सांद्रता उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले विधायक दादाराव केची ने ग्रामीण अस्पताल कारंजा में 3 वेंटिलेटर प्रदान किए थे। विधायक दादाराव केची के प्रयासों से जहां कोरोना संकट में मदद मिल रही है, वहीं विधायक दादाराव ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं को भी अलग हटकर राजनीति करनी चाहिए और कोरोना महामारी में मदद करनी चाहिए। ये ऑक्सीजन सांद्रता घरेलू उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों के लिए और उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिन्हें अचानक सांस लेने में कठिनाई होती है। जब तक कि अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध नहीं होते, तब तक ऑक्सीजन का स्तर 90 से नीचे गिर जाता है। कोविड में कई रोगियों का ऑक्सीजन स्तर अचानक गिर जाता है और रोगी गंभीर हो जाता है। यदि समय पर ऐसे रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो यह उनके शरीर के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, उन्हें इसका फायदा होने जा रहा है। इस समय शिरीष भांगी, वर्धा जिले के भाजपा उपाध्यक्ष मुकुंद बारंगे, भाजपा तालुका अध्यक्ष संजय कदम, पूर्व नगर सेवक शेख निसार, पूर्व पार्षद किशोर भांगी, हरिबाऊ जसुतकर, राजेश काड़बांदे, संतोष काकड़े, सुनील पंचारी, चंदू जसुतकर, चंद्रशेखर डोंगरी, मंगेश सिदाम, पीयूष साफले, शिवम गुर्डा, राहुल भांगी, वैभव वाटकर और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए कारंजा खाड़के से रुपेश मस्की की रिपोर्ट। अपन पाहता अपन कारंजा ग्रामीण रुग्णालयाच्या परिसरात उभे आहोत। आज आर्वी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्री दादाराव केचे यांनी कारंजा ग्रामीण रुग्णालयाला ऑक्सिजन कन्सनट्रेटर किट उपलब्ध करून दिला। या किटमुळे आपल्याला काय फायदा झालेला आहे या कारंजा ग्रामीण रुग्णालयाला, याबाबत आपण जाणून घेऊ। आपल्यासोबत आहेत कारंजा ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक प्रभाकर वंजारी, डॉक्टर प्रभाकर वंजारी त्यांच्याकडून। किटमुळे निश्चितच रुग्णांना भरपूर फायदा मिळालेला आहे। इमर्जन्सीचे पेशंट येतात ज्यांचं ऑक्सिजन 80 खाली असतं, 80 वर असतं आणि त्यांना ऑक्सिजन सिलेंडरमुळे तेवढा फायदा होऊ शकत नाही, अशा सिच्युएशनमध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर निश्चितच अमृत ठरलेलं आहे। आणि आज माननीय दादासाहेब दादाराव केचे साहेबांनी आपल्याला 3 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिलेले आहेत आणि त्याचा फायदा, आणि ते तीनही कॉन्सन्ट्रेटर आजही सुरू झालेले आहेत आणि पेशंटच्या उपयोगात येत आहेत आणि पेशंटचे जीवही वाचत आहेत। तर हे होते कारंजा ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक प्रभाकर वंजारी डॉक्टर, यांनी आपल्याला सांगितलं आहे की कशा प्रकारे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आपल्या तालुक्याकरता महत्त्वाचे ठरले ते। कारंजा गाडगेवरून कॅमेरामन योगेशसह रुपेश मस्के, इन बी सी एन।